एमएलए साहब खड़े रह के बोलते हैं कि नगर पालिका नाकारा है, नल पट्टी में घर पट्टी लगा दिया है। एमएलए साहब इतने मासूम है, उनको मालूम नहीं है कि 2016 में जब ये प्रस्ताव मंजूर हुआ था, वो टाइम समाजवादी का चेयरमैन था और आसिम भाई ने खास इसीलिए बैठाया था उसको चेयरमैन। 2016 में लगी जाके नगर पालिका में मालूम कर लेना, वो टाइम स्टैंडिंग का चेयरमैन आरिफ था। फ्लटर हाउस कैंसिल हुआ 2016 में, वो टाइम स्टैंडिंग का चेयरमैन आरिफ था और आसिम भाई ने उसको बैठाया था। दोनों काम करने विलास पाटिल की ये लोग बात करते हैं, नाकारा है। 20 साल से विलास पाटिल को विलास पाटिल बनाने वाली समाजवादी है। जब विलास पाटिल की 4 सीट आती थी तो समाजवादी सबसे पहले जाके वहाँ बैठे। बोलता हूँ आरडीए के काम की ओपनिंग जब तुम करोगे तो फंड तुम नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? तो तुम फंड लाओ। जगात नाके से शांति नगर तक एमएमआरडीए का काम है, आरसीसी रोड का काम है और इनका फंड लाने का काम है एमएलए साहब का है। खाली ओपनिंग करते घूमेंगे, ये फंड नहीं लाएंगे। 14 रोड जो मंजूर था, पहले से मंजूर था, उसका काम चालू है, लगभग बहुत जगह हो गया। अब आगे जो मंजूरी है और उसका जो फंड लाना है वो ये एमएलए का काम है। आज तक इन्होंने 1 रोड का फंड सेंक्शन नहीं करवाया। 14 रोड का पूरा जो फंड सेंक्शन था वो इलेक्शन से पहले का सेंक्शन है। उसके बाद अभी 1.5-2 महीने से एमएलए साहब हर स्टेज, हर न्यूज, हर नुक्कड़ में खड़े रह के बोल रहे हैं कि मैंने 17 करोड़ रुपया मंजूर करा दिया है, रोड की ओपनिंग होने वाली है। कब ओपनिंग होने वाली है एमएलए साहब बता दे। हम लोग नगर रोड को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत से लोग दावे कर रहे हैं रोड बनने वाला है, लेकिन इसी बीच पब्लिक जो आम नागरिक है वो रोड पर बैनर लगाना चालू कर दिए, नो रोड नो वोट कर। और एक बैनर जो है आपके कार्यालय के ठीक सामने भी लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो रोड नो वोट का जो आवाम ने वोट लगाया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक को ये चीज इलेक्शन में वोट देते टाइम समझ में आना चाहिए। वोट देते टाइम पब्लिक सब भूल जाती है। अभी इसके पहले जो हमारे भिवंडी शहर में हमारा एमएलए चुन के आया समाजवादी पार्टी से, पब्लिक उनके बारे में कुछ जानती नहीं थी। जब हमारे शहर की आवाम जात धर्म मजहब के नाम पे वोट करेगी तो ऐसे ही वोट लगाना पड़ेगा। हमारे को जिसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, एक पार्टी है समाजवादी पार्टी जो 20 साल से शहर को लूट रही है, जिनको हमने बार बार एमएलए चुन के दिया, नगर सेवक चुन के दिया, लेकिन तुम मैं तुमको समाजवादी पार्टी का एहतियात बताता हूँ, 20 साल में तुमको पूरे शहर में उनके नाम की एक मुतरी नहीं मिलेगी। जब तुम धर्म और मजहब के नाम पर ऐसी पार्टी के कैंडिडेट को जिता के लाओगे तो तुमको ऐसे ही वोट लगाना पड़ेगा। लेकिन आप ये कैसा बोल सकते हैं कि जो बैनर लगा है वो समाजवादी के विरोध लगा है? उसमें तो सीधा लगा है जो कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर तो आप भी बैठे, सबसे बड़ी कुर्सी पर तो एमएलए साहब बैठे। आज पूरे शहर में जो रोड बन रहा है स्टेट गवर्नमेंट के फंड से बन रहा है, नगर पालिका के फंड से नहीं बन रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के फंड से जो रोड बन रहा है, 14 रोड जो मंजूर था, पहले से मंजूर था, उसका काम चालू है, लगभग बहुत जगह हो गया। अब आगे जो मंजूरी है और उसका जो फंड लाना है वो ये एमएलए का काम है। आज तक इन्होंने 1 रोड का फंड सेंक्शन नहीं करवाया है। 14 रोड का पूरा जो फंड सेंक्शन था वो इलेक्शन से पहले का सेंक्शन है। स्टेट गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर काम हो रहा है तो उसमें एमएलए का ही काम आएगा ना, नगर पालिका का इसमें क्या? तो इसलिए तो मैं एमएलए की बात कर रहा हूँ ना, ये रोड के लिए फंड एमएलए साहब को लाना चाहिए। अगर ये रोड अगर बनती है तो इसका क्रेडिट भी आप एमएलए को ही दोगे? एमएलए साहब तो खुद बोले हैं कि एमएमआरडीए के काम की ओपनिंग मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो मैं एमएलए साहब को बोलता हूँ कि आरडीए के काम की ओपनिंग जब तुम करोगे तो फंड तुम नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? तो तुम फंड लाओ। जगात नाके से शांति नगर तक एमएमआरडीए का काम है, आरसीसी रोड का काम है और इनका फंड लाने का काम है एमएलए साहब का है। खाली ओपनिंग करते घूमेंगे, ये फंड नहीं लाएंगे। तो ये रोड का अगर बनता है तो उसका क्रेडिट किसका जाता है, नगर पालिका को जाता है या फिर आमदार को जाता है? आमदार तो जो फंड पहले से मंजूर है उसकी भी क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये रोड की भी क्रेडिट ले रहे। हम उनको हार पहनाएंगे, वो रोड बना देंगे, आवाम की तकलीफ दूर होना चाहिए। मतलब ये रोड के बनने में नगर पालिका का कोई हाथ नहीं है? नगर पालिका का हाथ रहता है इसमें, लेकिन जो प्रेशर करता है वो एमएलए करता है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का नुमाइंदा है एमएलए। इससे पहले जो 14 रोड का फंड आया उसके लिए रूपेंद्र ने बहुत मेहनत किया था, इसके उसकी वजह से फंड आया है, तो एमएलए लगता है उसमें। उसके बाद अभी 1.5-2 महीने से एमएलए साहब हर स्टेज, हर न्यूज, हर नुक्कड़ में खड़े रह के बोल रहे हैं कि मैंने 17 करोड़ रुपया मंजूर करा दिया है, रोड की ओपनिंग होने वाली है, कब ओपनिंग होने वाली है एमएलए साहब बता दे। हम लोग जो इससे पहले बारिश के बाद हम लोग डावर का डाल के रोड बनाने वाले थे, लेकिन हम लोगों को मालूम पड़ा जब एमएलए साहब बोले कि मैंने फंड मंजूर करा दिया है, सब हो गया, ओपनिंग होगी। इसके लिए हम लोगों ने नगर पालिका में प्रेशर नहीं डाला, लेकिन जब देख लिए कि बहुत ज्यादा टाइम होते जा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो हम लोगों ने नगर पालिका में बात करके अभी टेम्पररी रोड का काम 2-3 दिन में चालू करने जा रहे हैं। कितना दिन इंतजार करने का एमएलए साहब का? जिस तरह से आप एमएलए को बोल रहे हैं कि डेट आप उनसे मांग रहे हो, माजी महापौर विलास पाटिल का भी एक वीडियो आया है जिसको आप खुद ही वायरल कर रहे हो, उनकी इमेज बहुत सारी वायरल आप खुद कर रहे हो, उनसे मैं वायरल नहीं कर रहा हूँ, उनका मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया। मैंने बोला कि महापौर साहब ने कहा है कि 2-4 दिन में
डामर का रोड चालू हो जाएगा तो मंडे से चालू होने वाला है काम। अभी कल नगर पालिका की गाड़ी घूम रही थी रोड में, लेकिन तो अपनी अपनी गाड़ी हटा दो, रोड का काम चालू होने वाला है। लेकिन ये आपके बोलने के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि अगर एमएलए के फंड से अगर ये काम होता है तो इसमें एमएलए का फंड नहीं, प्राइवेट फंड है ये स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके लिए प्रेशर एमएलए को करना पड़ता है सरकार में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में। तो अभी ये बन रहा है, और ये जो तुम और ये जो करना चाहते हैं, ये जो तुम महापौर की बात कर रहे हो, अभी बीच में मेरे वार्ड में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे एमएलए साहब खड़े रह के बोलते हैं कि नगर पालिका नाकारा है, नल पट्टी में घर पट्टी लगा दी है। एमएलए साहब इतने मासूम है, उनको मालूम नहीं है कि 2016 में जब ये प्रस्ताव मंजूर हुआ था वो टाइम समाजवादी का चेयरमैन था और आसिम भाई ने खास इसीलिए बैठाया था उसको चेयरमैन, जब ये घर पट्टी में नल पट्टी लगी है 2016 में लगी, जाके नगर पालिका में मालूम कर लेना। वो टाइम स्टैंडिंग का चेयरमैन आरिफ था, फ्लैटर हाउस कैंसिल हुआ 2016 में, वो टाइम स्टैंडिंग का चेयरमैन आरिफ था और आसिम भाई ने उसको बैठाया था ये दोनों काम करने के लिए, और एमएलए साहब बोलते हैं कि नगर पालिका नाकारा है। अरे तुम्हारी पार्टी नाकारा है, समाजवादी पार्टी नाकारा है, अब 20 साल से सहयोग खंडर बना के रख दिए तुम लोग। आरिफ भाई, जो ये रोड है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एमएलए की या कॉर्पोरेटर की भी है? क्योंकि अभी आपके जो मेयर है उन्होंने कहा था कि ये रोड को डामरीकरण करेंगे, तो जबकि ड्रेनेज लाइन का काम होने के बाद आप लोग की जिम्मेदारी है इसको करना। बारिश के पहले ड्रेनेज लाइन का काम खत्म हुआ है, बारिश में डामर नहीं होता है, प्लांट बंद रहता है, सबको मालूम है, और एक महीना पहले ये काम हम लोग चालू करने वाले थे, लेकिन एमएलए साहब तो सब जगह घूम रहे थे और बोल रहे थे कि मैंने फंड सेंक्शन करा दिया और काम करने वाला हूँ, इसके लिए नगर पालिका रुकी हुई थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से तत्काल में मंजूरी मिली है और टेम्पररी रोड बनने वाला है, 2 दिन में काम चालू हो जाएगा। कॉन्क्रीट का रोड कब बनेगा वो एमएलए साहब बताएंगे कब बनेगा, वो तो 2 महीने से बोल रहे हैं कि बस आज ओपनिंग होगी, कल ओपनिंग होगी, आज ओपनिंग होगी, कल ओपनिंग होगी, देखते हैं कब होती है ओपनिंग। जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट टारगेट करते हैं, तो क्या ये समाजवादी पार्टी का ही काम है या कांग्रेस एनसीपी का? आपके मुंह से कभी नाम नहीं निकलता, इसके पीछे वजह क्या है? समाजवादी पार्टी को मैं डायरेक्ट टारगेट इसके लिए करता हूँ कि ये लोग बहुत झूठ बोलते करते खुद है, बदनाम दूसरे को करते हैं। जैसे अभी मैंने तुमको बताया नलपट्टी पे घर पट्टी, इसकी तुम मालूम ले लेना कि किसकी इसकी देन सबसे बड़ी कौन सी पार्टी है। विलास पाटिल की ये लोग बात करते हैं, नाकारा है, 20 साल से विलास पाटिल को विलास पाटिल बनाने वाली समाजवादी है। जब विलास पाटिल की 4 सीट आती थी तो समाजवादी सबसे पहले जाके वहाँ बैठ जाती थी उसके बंगले में। लेकिन अभी तो कांग्रेस ने विलास को विलास बनाया। कांग्रेस ने नहीं बनाया, कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कुछ नगर सेवकों ने बनाया है। कांग्रेस हम लोगों ने वोट नहीं दिया, हम लोगों ने 29 लोगों ने वोट नहीं दिया। आपने नहीं दिया, लेकिन आपके पार्टी के लोग, पार्टी से जो गद्दारी किया है उनको सबक मिल जाएगा। कोविड का टाइम है, कोविड की वजह से बहुत बड़े बड़े मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं, थोड़ा सबर करो, 1-8 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। तो आरिफ भाई, आरसीटी रोड अगर नहीं बनते तो डामरीकरण कब चालू होगा? डामरीकरण का हम लोगों ने बस 2-3 दिन में चालू करने वाले हैं, मंडे से हो सकता है चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। एक सवाल और भी है, जकात नाके पे जो सिग्नल लगा है वहाँ पे टन मिलने वाला था, उसकी वीडियो हमने भी बनाया था आपके जरिए, लेकिन वो टन अभी तक खुला है ना, सिग्नल अभी तक चालू हुआ है, उसको फॉलो नहीं हुआ है। सिग्नल लग गया अभी चालू नहीं हुआ है, और अभी इसके लिए उसको रोक दिया गया कि अभी ऊपर का काम चालू है, नीचे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रही है, अभी टन वगैरह दे देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ऊपर का काम जब चालू हो जाएगा और गाड़ी ऊपर से आना जाना चालू हो जाएगी तो उसका नीचे कुछ ना कुछ सिस्टम बैठाएंगे। लेकिन सिग्नल अगर चालू हो गए तो ट्रैफिक तो और कम हो जाएगा ना? नहीं, ज्यादा गाड़ी होने की वजह से और रॉन्ग साइड से लोग घुस घुस के आते हैं उसकी वजह से और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जा रही है। और नीचे ट्रैफिक पुलिस का है ना, वहाँ पे खड़े रहना, इसका वजह तो ये नहीं कि आप सिग्नल लगाए तो उसको बंद कर दो या ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया जाए। खुद ही बोल रहे हो ट्रैफिक पुलिस का काम है तो तुम सवाल मेरे से क्यों कर रहे हो फिर? नहीं, आपने वहाँ पे खड़े होकर बोला था कि मेरे बोलने पे तो काम चालू हुआ और सिग्नल लाइट भी लग गई वहाँ पे, लेकिन चालू नहीं हुआ ना। आपको ट्रैफिक पुलिस का काम है ना, चालू भी करवाना है। हमारा काम है नगर पालिका के फंड से लाइट लगा के देना, हमने लगा के दे दिया वहाँ पे, हमने सर्कल बनवा दिया, अब वहाँ पे सिस्टमेटिक ट्रैफिक पुलिस खड़े रहना चाहिए, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। आप लोगों का भी तो काम है ना उस पे दबाव बनाना कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस। हमारा जितना काम था हम लोगों ने कर दिया ना, 15 लाख रुपए सिग्नल लाइट का पास करके 10-12 लाख रुपए लगा लाइट लगवा दी हमने, वहाँ सर्कल बनवा दिया हमने, हमने तो अपना काम पूरा कर दिया। अब वहाँ पे ट्रैफिक संभालना और पुलिस वाले को खड़ा करना, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, नगर पालिका का ये काम नहीं है। ये तो वही बात होगी, हमने फ्लाईओवर बना दिया, वो शायद गिरे की किसी भी हालत में रहे, हमने बना के दे दिया, अब आप खड्डों से आओ जाओ, यही आपको नहीं, ट्रैफिक संभालना किसका काम है? ट्रैफिक कंट्रोल करना किसका काम है? ट्रैफिक पुलिस का। तो बस हमारा क्या काम था, वहाँ सिग्नल लगा के देना, ट्रैफिक पुलिस ने बोली कि तुम सिग्नल लगा के दो, हमने सिग्नल लगा के दिया, उन्होंने बोले तुम सर्कल बना के दो, हमने सर्कल बना के दिया, हमारा तो काम हो गया। उसके बाद वो लोग काम नहीं करते तो उनके ऊपर प्रेशर बनाना आपका काम है। अभी सर्कल बना भी नहीं है। नहीं, वो ओपन ही रहेगा वैसे।